नमस्कार, सीधी तहलका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये लाइव तस्वीरें आप नेशनल हाईवे सेक्टर 29 थाने के ठीक सामने से आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की टीम है वो लगातार वाहनों के चालान करती नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जहाँ लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर अब पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरतता जरूर नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, करीब आधा दर्जन बाइकें यहां पर रोकी गई हैं, लगातार जो है उनके चालान किए जा रहे हैं, उनके कागजात जाते जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस वजह से घरों से बाहर निकले हैं। बाइकों के साथ साथ जो ऑटो हैं, जो कारें हैं, उनको भी रोका जा रहा है, उनसे भी पूछताछ यहां पर की जा रही है कि किस वजह से वो घरों से बाहर निकले हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके, क्योंकि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन पर अब कहीं ना कहीं सख्ताई ज़रूर की जा रही है। लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। करीब आधा दर्जन जो बाइकें हैं यहाँ पर रोकी जा रही हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और जो कागजात हैं उनके वो जांचे जा रहे हैं। और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले हैं उन पर कहीं ना कहीं सख्ताई बरती जा रही है, उनके चालान यहाँ पर किए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार संक्रमण फैल रहा है और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब सख्ती बरता जरूर नज़र आ रहा है। बातचीत जरूर करेंगे सर, चालान किए जा रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे किन किन लोगों के चालान किए जा रहे हैं? ये सर जो बिना वजह घर से निकल रहे हैं ना, अब ये लॉकडाउन का वो चल रहा है तो बिना वजह जो घर से निकल रहे हैं उन पे उनके चालान भी कर रहे हैं और उनको हिदायत भी दे रहे हैं साथ के साथ, अगर भाई इस तरीके से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का और इसका अपना लॉकडाउन का पूरा अपना ध्यान रखो, ये महामारी है, इससे बचने के लिए ये कि यह है कि भाई अपने घरों में सुरक्षित रहें तो ये इससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। तो इस वजह से इन लोगों को समझा भी रहे हैं, अगर जो नहीं मान रहा बिना वजह घर से निकल रहे हैं उनके चालान भी कर रहे हैं। अभी कितने चालान अभी तक किए? अभी यहाँ 8-10 के करीब चालान कर दिए हैं, मास्क कर दिए एक दो, एक मास्क का किया है और इसके करे हैं मोटर व्हीकल के। छोड़ा भी जा रहा है किसी को? है जी, छोड़ा भी। हाँ, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं और जो अपना रीजन बता रहा है कि बिना वजह घर से नहीं निकल रहा उसको छोड़ भी रहे हैं, कोई काम सिर आया है, कोई मजबूरी है जिसकी किसी की तो उसको छोड़ भी रहे हैं। कई कुछ लोग पीछे से देखकर आप लोगों को पीछे भाग जरूर रहे हैं। हाँ। क्या इस तरह का क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि संक्रमण भी लगातार ये गलत कर रहे हैं लोग, जो लोग इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं तो वो इस तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसमें थोड़ा अपना बचाव रखना चाहिए और बिना वजह घर से नहीं निकलना चाहिए। देखिए, जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं उन पर सख्ताई जरूर की जा रही है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। लगातार देखिए, जो वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं सख्ताई की जा रही है, उनके चालान यहाँ पर किए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। क्योंकि लगातार संक्रमण को रोकने के लिए अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है और लापरवाही बरतने वालों पर अब सख्ताई की जा रही है, उनके चालान किए जा रहे हैं। आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचे। और सभी से अपील रहेगी कि नियमों का पालन जरूर करें ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और
इस संक्रमण को रोकने के लिए ही सरकार द्वारा 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं उन पर सख्ताई की जा रहे हैं, उनके चालान लगातार पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं ताकि लापरवाही बरतने वाले लोगों के माध्यम से ये मैसेज दिया जा सके कि लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं भारी ज़रूर पड़ सकता है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें।